वेलकम फ्रेंड्स, होम ट्रिक्स एंड टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं हम। ये हम लगा रहे हैं 500 लीटर का सोलर वाटर हीटर, जो कि इको कंपनी का है। अब सबसे पहले लोगों का प्रश्न होगा कि ये सोलर वाटर हीटर का क्या वर्क है, क्या इसमें सब्सिडी होती है नहीं होती है। तो मैं कुछ जो प्रश्न आपके हैं नॉर्मली उनको आंसर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये सोलर वाटर हीटर होता क्या है और क्या काम करता है। तो ये सोलर वाटर हीटर है, हीटर से आप समझिए, ये गर्म पानी करने का काम करता है और ये सूरज की किरणों से गर्म पानी करता है। इसमें आप देखिए इस तरीके की ट्यूब लगी रहती है पूरी लाइन से वहीं तक आखिर तक, देखिए पूरी ट्यूब लग जाएंगी। और ट्यूब लगने पर जैसे ही इस पर धूप पड़ेगी और ये पानी को गर्म कर देगा। इसमें एक ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है कि हम चाहें तो धूप से भी गर्म करें, और कई बार बरसात के दिनों में जब सूरज भगवान नहीं निकलते हैं या कोई ऐसा टाइम रहता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम इसमें ये एक बैकअप चीज़ की लिखी हुई थी, ये एक बैकअप लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, इस बैकअप को हम यूज़ करते हैं। ये बैकअप में एक इलेक्ट्रिक रॉड लगी रहती है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिससे कि गर्म पानी होता है। ये रॉड 3 किलोवाट 5 किलोवाट जितने की चाहे हम उतने की लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या इस सोलर वाटर हीटर में सब्सिडी होती है? कोई ज़माने में इसमें सोलर सब्सिडी होती थी, अब आज के टाइम में इसमें सब्सिडी नहीं आती है। तो और अब दूसरी चीज़, ये कितने लीटर का है? तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो हम लगा रहे हैं 500 लीटर का है और हर सोलर वाटर हीटर पे उसकी रेटिंग लिखी रहती है कि वो कितने लीटर का है। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें एक स्लिप लगी होती है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें लगी है इको कंपनी की। अब ये आपको शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ दिख जाए, ये लिखा है 500 LPD, ये 500। तो ये 500 लीटर का है। अब ये 500 लीटर का भी ये एक चीज़ और पूछना लोगों का क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर भी देता हूँ कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं और हम किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हमको कितने का लगेगा। तो इसका आंसर ये है कि आप नॉर्मली 30 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से काउंट कीजिएगा। अब आपके घर में आप सदस्य गिन लीजिए कितने हैं, उसमें 30 बोले तो 30 का गुणा कर दीजिए, तो आपको एक अच्छा आंसर मिल जाएगा कि कितने लीटर का मेरे यहाँ पे सोलर वाटर हीटर लगना है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे तो कईयों को लगता है कि हमारे यहाँ 2 सदस्य हैं तो मैं बिल्कुल छोटा लगा लूँ, 30 लीटर 60 लीटर 100 लीटर का लगा लूँ। नहीं, अब इसका आंसर ये है कि मिनिमम जो इंस्टॉल करना है आपको कम से कम 200 लीटर कराइए ही कराइए। उसकी वजह भी बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो ये लगाता हूँ तो आपको टेक्निकल नॉलेज भी दे देता हूँ। क्या होता है कि आपके घर में जो पूरे में पाइपलाइन फैली हुई है, टोटल जो पाइपलाइन फैली हुई है, उसकी खासियत ये है कि वो पूरे घर में आपका जैसे 2 मंजिला घर है तो पूरा पाइप में से पानी नीचे नीचे जाते तक, जब तक पानी नीचे पहुँचेगा, जब तक पानी आपका लगभग लगभग 50 लीटर के आसपास ख़त्म हो चुका होगा, तो आपके पास जो स्टोरेज बचेगा वो ओनली 150 लीटर बचेगा। तो क्या होता है कि घर की पाइपलाइन भी ये बहुत सा पानी पी जाती है, तो इसलिए हमको कम से कम 200 लीटर इंस्टॉल करना चाहिए। बिल्कुल छोटा परिवार हो 3-4 लोगों का तो 200 लीटर तो हमको करना ही करना चाहिए। 200 लीटर में हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि हम सभी लोगों को अच्छे से नहा सकते, और कोई 1-2 मेहमान भी आ भी जाए तो वो भी एडजस्ट हो सकें। और बैकअप का ऑप्शन दिया ही है, यदि हमारा नॉर्मल पानी आने लगा तो हमने MCB उठाई, ये हमने जो बैकअप हमने अभी आपको दिखाया था इसको हमने ऑन कर दिया। इस बैकअप को हमने ऑन किया तो वैसे ही उसमें गर्म पानी इलेक्ट्रिसिटी से होने लगा। अब मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या होता है। ये हो गया बैकअप है, ये एयर का पाइप लगा हुआ है, देखिए इसमें ये यहाँ से गया हुआ है और ये देखिए ऊपर जाके ख़त्म हो गया एयर का पाइप। तो ये एयर ज़रूरी है क्योंकि एयर का पाइप रहेगा जब ही जाके ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब इस तरफ आ जाते हैं, क्या है ये एक्चुअली एक होटल में लग रहा है, तो ये होटल में लगा रहे हैं 500 लीटर का। अब ये देखिए ये यहाँ आ गया, ये लिखा हुआ है इन, ये यहाँ से इसमें ठंडा पानी जाएगा और ये आउटलेट है, यहाँ से गर्म पानी आपके बाथरूम में जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये इसकी फिटिंग हमको अलग से करानी पड़ती है क्या सोलर वाटर हीटर की? तो इसका जवाब ये है कि यदि सोलर वाटर हीटर की फिटिंग आपके घर में है तब भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं है जब भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां आपका गीजर लगा हुआ है वहीं पे सोलर वाटर हीटर का भी कनेक्शन पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपने एक बार राड लगा दी बस, आपके यहाँ पर बंदर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ फिजिकल डैमेज जैसे कि ये इसको कोई फोड़े ना ये कांच की नली को, तो ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। आप यदि मैं तो MP से हूँ फिलहाल, आप केरला तरफ जाएं या अदर होटल में इसमें जाएं तो आपको यही ज़्यादा मिलेंगे देखने को। उनकी वजह भी है देखने की,
क्या है कि ये सबसे किफ़ायती होते हैं। आपके घर में चार बाथरूम हैं, चारों में अलग अलग ही आप गीज़र लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का आएगा और चारों का मेंटेनेंस आएगा। ये आपके छत पर लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक अगला क्वेश्चन है कि ये हमारे छत पे, अब आप देख रहे होंगे एक टंकी वो रखी है और ये सोलर वाटर हीटर रखा हुआ है, तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये जो सोलर वाटर हीटर जो आपको दिख रहा है, इसको कम से कम 5 फीट ऊंची हाइट पे पानी की टंकी चाहिए। तो ये देखिए ऊपर दिखाई दिया, उस पानी की टंकी से ये कनेक्ट है, क्योंकि ऊपर से इसको पानी आएगा जब भी तो प्रेशर में नीचे पानी दे पाएगा। तो ये इस तरीके का सोलर वाटर हीटर होता है। और यदि और कोई भी क्वेश्चन हो आपको सोलर से संबंधित, सोलर वाटर हीटर हो, सोलर रूफटॉप हो, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, आप कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप बाकायदा कीजिएगा, मैं आपको बाकायदा हर चीज़ का आंसर दूंगा। अब हम अगली बात पर जाते हैं कि ये अब आप देख रहे हैं ये पूरी इसमें जितने छेद इतनी डाट हैं। अब हम आ जाते हैं अगली बात पर कि हम किस किस फील्ड में काम करते हैं। हम सोलर में काम करते हैं, सोलर रूफटॉप में करते हैं, और मेरा जो यूट्यूब चैनल होम ट्रिक्स एंड टिप्स के नाम से है। तो ये जो चैनल है, आप जो भी टॉपिक पे बोलेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी फील्ड में काम करता हूँ, तो आप जिस टॉपिक पे कहेंगे उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो अभी मैं मेरा परिचय देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णकांत चौधरी है, जो कि मैं होम टिप्स एंड टिप्स चैनल को चलाता हूँ और मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी टॉपिक आपको लगे कि इस टॉपिक पे सर मुझे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। मेरे चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डली, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं आपको जेन्युइन वीडियो दूँ और जेन्युइन बात कहूँ। तो अभी ये क्या है, नाइट का वक्त हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने वीडियो बनाना उचित इसलिए समझा क्योंकि समय की कमी के कारण कई बार वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं और जानकारी अधूरी रह जाती है। तो अब जब जैसा समय मिलेगा, जब जैसा होगा, मैं वैसा वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये एक होटल में हम लगा रहे हैं 500 लीटर का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ये उसके बारे में आपके लिए जानकारी थी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मैं इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए, ओके, इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।